बच्चों हमारे YouTube चैनल पटेल शेडी एमपी में आपका स्वागत। तो आप लोगों की बहुत मांग थी कि क्लास टेंथ मैथ का कब डाल रहे हो सर, तो वो आ गया है वीडियो, आप देख लीजिए फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, उन क्वेश्चन को आप पूरा तैयार कर लीजिए। आपको 75 मार्क्स लाने थे, कोई नहीं रो सकता है। और आपको एक बात ज़रूर नोटिस करा देता हूँ, आपको जो जो क्वेश्चन बताया उन्हीं क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे से प्रॉपरली तैयार करके जाना है कल। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने पिछले भी वीडियो बनाए हैं, वही तो आपके त्रैमासिक पेपर में आ रहे हैं, तो आपको निसंदेह जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं और हम पूरा बताएंगे बच्चों आंसर भी। तो उसमें पहला है 14 और 16 का HCF होगा, तो इसका HCF क्या होगा, इसका होगा जहाँ तक है तो 2 हो सकता है HCF। और फिर नेक्स्ट है इसका मेरे को पता नहीं है बट मैं इसका जरूर बताऊंगा। और नेक्स्ट है दूसरा है यदि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक ए बी है तो ए प्लस बी का मान आपको निकालना होगा इसमें। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है ये, और यदि a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2 है तो रैखिक समीकरण युग्म है का इसका हल क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा इसका हल क्या होगा अंततः अनेक हल होगा, क्या होगा अंततः अनेक हल होगा। और फिर नेक्स्ट है अपना यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान हो तो समीकरण का विभक्तिकर क्या होगा, को इसका विभक्तिकर मेरे को पता नहीं है बट आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। तो आपको बहुत जल्दी इसका मैं आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन हो जाइएगा और अपडेट का इंतज़ार करिएगा। और नेक्स्ट है 14 है, और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, और उन क्वेश्चन को अगर आपसे आंसर बनता तो अच्छा है, कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। और इसका PDF मैं डाल ही दूंगा शाम तक में पूरा, तो आप देख लीजिए और उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट है 5वां है AP, इसका ज्ञात करना है 13 + 7 का 30वां पद है, इसका आपको 30वां पद निकालना है, इसका माइनस में आएगा। और नेक्स्ट है अपना 6वां है, प्लस वाले तो होंगे नहीं, माइनस में -74 या -84 होगा। तो 6 है किसी त्रिभुज ABC में DE इक्वल AB है तो CD क्या है 3 सेंटीमीटर, EC क्या है 4 सेंटीमीटर, BE है तो 6 सेंटीमीटर में DA आपको ज्ञात करना है, और इसका पूरा सॉल्व सॉल्यूशन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है 4√3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और नेक्स्ट है अपना द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। और समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 है y = 1 है तो k का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, माइनस में प्लस में 5 होगा। और 14 है एक समीकरण px = 0 जहाँ px2 बहुपद है, समीकरण क्या कहलाती है द्विघात बहुपद कहलाती है, यदि बहुपद की घात 2 है तो द्विघात बहुपद कराएगी। और नेक्स्ट है यदि ABC समांतर श्रेणी में तो और बी और ए और सी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समांतर माध्य कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे समांतर माध्य। और फिर नेक्स्ट है समरूप त्रिभुज में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बराबर होते हैं, अगर कोण बराबर है तो क्या होगा समरूप होगा। और नेक्स्ट और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट मैं आप बता रहा हूँ, इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, ये हट गया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 सत्य बताना है क्वेश्चन 3 में आपको, और उसमें पहला एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय हल होता है। और नेक्स्ट अपना ax + b = 0 ये द्विघात समीकरण है, ये गलत है, ये गलत है। और तीसरा है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप होगा, ये सत्य है, क्या है ये सत्य है। और 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। और फिर नेक्स्ट अपना इसको साइड करता हूँ थोड़ा, और नेक्स्ट अपना 5वां है एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो इसका सही आंसर होगा जहाँ तक है मेरे को पता नहीं बट
असत्य होगा जहाँ तक है तो। और छठवां है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविध कर 8 है। इसका विविध कर सूत्र क्या होता है, 4ac होता है। तो 4 का 4 हो जाएगा, a का मान 2 है और c का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 * 4 = 8 + 3। तो ये इसका 8 नहीं होगा, ये असत्य होगा। और फिर नेक्स्ट अपना सही जोड़ी बनाना है आपको, 81 एवं 27 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम 81 ही होगा, क्या होगा 81 होगा इसका। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। और x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y = क्या होगा, तो y = देखिए x = 0 है तो y = क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा जहाँ तक, सॉरी इसका होगा -3/2 होगा जहाँ तक है तो। और फिर नेक्स्ट है अपना द्विघात समीकरण x² - 1 के मूल, आपको मूल यानी क्या निकालना है, उसके शून्यक निकालना है। तो इसका सही शून्यक होगा क्या होगा, 1 होगा। एक मिनट समान, इसका मेरे को ध्यान नहीं है, बट पांचवा देख लीजिए समांतर श्रेणी का एनवा पद है, तो इसका सूत्र ए है बच्चों, जी वाला। और सभी वर्ग होते हैं समान होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और नेक्स्ट है इसका आंसर ए हो सकता है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन 5 में एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वो भी धनात्मक ही होंगे, क्या होंगे, धनात्मक होंगे। नेक्स्ट है एपी 579 और 41 में पदों की संख्या आपको पूरा निकालना, सूत्र आपको ऊपर दिया गया है सही जोड़ी में। और फिर नेक्स्ट है तीसरा है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सत्य हैं। और हाँ इसमें क्या लिखना, हाँ सही समद्विबाहु त्रिभुज समान रूप से होते हैं। और नेक्स्ट अपना द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों के योग आपको उसमें पूरा निकालना है आपको। और नेक्स्ट है पूछा है रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 और y = 5 हो तो m का मान निकालना है आपको। और इसका सही आंसर होगा जहाँ तक है तो 5 - 5/2 होगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट अपना -3 होगा, ऐसे करके आएगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मैं यहीं पर सॉल्व करके नहीं बता सकता। और नेक्स्ट है संख्या 505 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है बच्चों। तो आपको जो जो क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 312 और 12 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और अथवा पूछा है संख्याओं में 4 की घाते n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्रारंभिक संख्या है, जाँच कीजिए क्या n का कोई मान है जिनके लिए 4 की घाते n संख्या पर समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन 7 है एलसीएम 306 और 657 = 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए है। और अथवा में पूछा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो आपको पूरा प्रूव करना है। आपको जो भी अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर आपको 75 में 75 मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 8 बहुपद x² - 15 के शून्य का आपको ज्ञात करना है। और अथवा पूछा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है एवं गुणनफल 1 है तो बहुपद आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन 9 है बहुपद x² - 2x - x के शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है आपको। और अथवा पूछा द्विघात बहुपद x² + 7x + k के शून्यकों का गुणनफल 10 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 10 निम्न
की स्थिति के रैखिक समीकरण युग्म आपको बताना है। आपको तो देखना है क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसकी एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या तीसरी तीन गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। यह पूरा स्टेटमेंट आपको इसका पूरा बनाना है समीकरण और इसको प्रूव करना है। और अथवा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखे जिसमें द्वारा निरूपित रेखाएँ समांतर रेखाएँ हो। और नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन 11 पूछा है अनुपात ए अनुपातों एक बटे ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी थ्री की तुलना कीजिए और समीकरण युग्म में 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 16y प्लस 24 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है समांतर या संपाति आपको इसमें बताना है। आपको दो नंबर का आया है। और अथवा है x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई को 4 को प्रतिस्थापन बी द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको जो भी इजी लगे उसको कर लीजिएगा, हमेशा यही कोशिश करिएगा कि प्रतिस्थापन करें। और ये भी अच्छा कि संपाति समानांतर और संपाति आपको बताना है। और नेक्स्ट है अपना 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। आपको दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों की संख्या आपको बताना है इसमें। और नेक्स्ट है अपना यही नहीं रहा है। और नेक्स्ट है अपना अथवा में है जांच कीजिए समीकरण x प्लस 2 की घाते क्यू और प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको उसको पूरा सॉल्व करके पक्षांतरण विधि द्वारा इसको बताना है आपको। दूसरा आपको पहला वाला अच्छा लगे तो पहला वाला कर लीजिएगा, जो भी बने आप उसको कर लीजिएगा और तैयारी करके ही कर जाइएगा। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको नहीं सब कुछ बताना है। और अभी तक हमने जितने भी पेपर बताए हैं उसमें से पूरे आए हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आपको बताना है इसमें मूल के। और नेक्स्ट है तुम्हें पूछा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो दो मूल के बराबर हो। 17वां क्वेश्चन समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर माइनस 3 और सर्व अंतर d बराबर 5 हो, तो अगले चार पद आपको बताना है। इसका समांतर वाला AP वाला क्वेश्चन से आया है। 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग आपको ज्ञात करना है, दो नंबर का है। और फिर क्वेश्चन 15 है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद एवं उनके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर आपको पूरा ज्ञात करना है। नेक्स्ट है अपना तुम्हें पूछा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो इनके वे पदों का अंतर है, तो इनके 1000वें पद में अंतर क्या होगा इसको पूरा आपको बताना है। आपको जो इजी लगे अगर ऊपर वाला बने तो ऊपर वाला करने की कोशिश करिएगा, टफ वाला बिल्कुल चूज ना करिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों सुलामा वाला, और हमेशा पूछा जाता है। देख लीजिए सुलामा क्वेश्चन है आकृति में DE समांतर है BC के और तो EC आपको ज्ञात करना है। क्या करना है EC ये आपको पूरा ज्ञात करना है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 और 1 अपॉन x मान के आपको उसको पक्षांतरण विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अपना अथवा हम पूछा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR का पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, यदि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर है और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर है, तो FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो कारण सहित आपको पूरा बताना है हाँ या नहीं, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा ये समांतर है कि नहीं। और क्वेश्चन 17वां है लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। और फिनिश्ड है अपना अथवा है दो समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि कोण A बराबर 47 अंश है और कोण E बराबर 83 अंश है, तो कोण C का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अपना 18वां दर्शाइए कि 6 प्लस √2 का परिमेय संख्या है या नहीं।
भारत में पूछा है संख्याओं का 510 और 92 का एलसीएम एलसीएम करके इसका जांच करना है, जो संख्याओं का गुणनफल है ना। और फिर जो इजी लगे आपको कर लीजिएगा, जो भी बने आपसे, और इन सबको क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और क्वेश्चन 19वां पूछा है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों के गुणांकों के बीच आपको संबंध बताना है। और आठवां पूछा है, यदि ए और बी द्विघात बहुपद है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक हो तो ए प्लस बी एवं ए पॉइंट बी के मान आपको ज्ञात करना है आपको। और नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन 20 है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है, दो 3x + y 5y माइनस 8 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो अब उसको पहले इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिएगा दोनों को और बराबर 0 कर लीजिएगा, फिर इसको विलोपन विधि द्वारा इसको हल कर देना है। और फिर आज हम पूछा है दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है तो खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेते तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ये आपको इसमें निकालना है आपको पूरा। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आप यही विलोपन विधि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा यूज़ होता है बच्चों और आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी होगा। तो आपको विलोपन प्रतिस्थापन जो भी है तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है अपना 21वां क्वेश्चन, तो संख्याओं को क्या ज्ञात करना है जिनका योग 17 है और गुणनफल 72। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं तो आपको इसको नोट करना है और ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा। और अथवा है गुणनखंड विधि के समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0, तो इसको हल करना है आपको। और प्रश्न 22 है, यदि किसी एपी के प्रथम पद 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है अथवा संख्याओं की उस सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें nवां पद an बराबर 3+2n में दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट है अपना 23वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं कि नहीं, तो आपको इसको पूरा बताना है आपको। नेक्स्ट है अपना अथवा में पूछा है, आकृति में PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR है तो अथवा तथा त्रिभुज PST और त्रिभुज PRQ है तो सिद्ध करना है आपको त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहीं तक था 23वां क्वेश्चन। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए ये पूरा है अपना और इसका सेट बी भी आएगा तो आपको सेट बी भी तैयार कर लेना। आप दोनों से तैयार करके याद है तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये पूरा है अपना और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा और निसंकोच। और इसका पूरा मैं सेकंड दो पार्ट में बना दिया हूँ तो आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, तो हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद। और जो भी आपकी समस्याएं हों और कमेंट माध्यम से आप हमें बताइए ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद। और मैं आपसे जुड़ने का भी प्रयास करूँगा।